हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स क्लास में। आज हम बात करें एनसीईआरटी क्लास 10 की थर्ड लेसन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 की। 3.2 कल ख़त्म हो गया था, आज बात करें 3.3 की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, मतलब इन दोनों में से हमको पहले एक का वैल्यू फाइंड करना है, या तो एक्स का वैल्यू निकालें या वाई का, और फिर दूसरे इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट कर देना है। देखिए कैसे बनता है, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहाँ लिखे फर्स्ट इक्वेशन को पहले, यहाँ लिखेंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन, बाय इक्वेशन वन। यहाँ इक्वेशन वन लिखें, एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई था, इधर आया तो माइनस वाई हो गया। तो एक्स का मेरे पास वैल्यू आ गया 14 माइनस वाई, ये एक्स का वैल्यू हो गया। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब देखिए क्या होता है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू। एक्स का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। जो एक्स का ये वैल्यू आया है उसको हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, पहले लिख लेना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x का वैल्यू देखिए 14 माइनस वाई, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई तो पहले से है, इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस 2y हो जाएगा, तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, एंड ये ओनली वाई हो जाएगा, केवल वाई हो जाएगा, और ये इधर तो एज इट इज रहेगा 4, ठीक है। अब देखिए 7 माइनस वाई, इसको यहीं पर छोड़ दिया इसको, और ये 2 था, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, 2 बार। तो 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। तो माइनस वाई को हम लोग इधर छोड़ देंगे और 7 को उधर लेकर गए, तो 2 माइनस 7, तो ये माइनस का ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो ये आएगा माइनस फाइव, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव। तो दोनों तरफ का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू निकल के आ गया 5, ठीक है, वाई का वैल्यू आ गया 5। अब इस वाई के वैल्यू को हम लोग थर्ड इक्वेशन में रखेंगे जो हमारा यहाँ आया था। इस इक्वेशन में वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम पुट किए, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। अब किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, ये इजी है इसलिए हम इसमें रख रहे हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई था, तो वाई का वैल्यू ऑफ 5, तो 14 माइनस 5 हो जाएगा, और 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 होता है, तो एक्स का वैल्यू आ गया 9। तो लिख दिए हैंस एक्स इज इक्वल टू 9 एंड वाई इज इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कह दिया है एस माइनस टी, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, एंड सेकेंड इक्वेशन है एक्स बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारा इक्वेशन दे दिए, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इसमें से किसी एक का वैल्यू फाइंड करना है, दूसरे में सब्सटीट्यूट कर सकें इसलिए। तो देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं बाई फर्स्ट इक्वेशन, आप सेकेंड इक्वेशन से भी चल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए हमारा एस का वैल्यू आ रहा है, एस माइनस टी दिया है 3, ठीक है, तो ये एस इधर छोड़ देंगे और टी को उधर लेके जाएंगे तो प्लस टी हो जाएगा। ये एस का वैल्यू आ गया हमारे पास, देखिए इसको इक्वेशन थर्ड मान लिए। अब पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। एस का वैल्यू जो आया है उसको इक्वेशन सेकेंड में रखना है, इसमें रखना है। देखिए हम लोग रखते हैं कैसे रहता है, देखिए आप एस का वैल्यू रखे क्या था, ये क्या था एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो एस की जगह पर हम रखेंगे 3 प्लस टी, तो देखिए 3 प्लस टी यहाँ पर रखें बाई 3, और ये तो एज इट इज़ रहेगा टी बाई 2। अब इसको हम सिंपली जोड़ते हैं ऐसे, 2 और 3 एलसीएम 6, 3 में 6 डिवाइड करेंगे तो 2, 2 में 2 से इन दोनों में गुना करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2t, और ये 2 डिवाइड करेंगे इससे तो ये 3t हो जाएगा। अब देखिए 6 को हम डिवाइड में है, इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो
36 हो गया, 6 6 36, और ये दोनों को जोड़ दिए, दोनों एक ही में है, 2t + 3t 5t और 6 एज इट इज रह जाएगा। अब हम क्या किए, 5t को यहीं छोड़ दिए और 6 को इधर ले आए, तो 36 - 6 = 30 और 5 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आके 30 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में, तो टी का वैल्यू आ गया 6। अब देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम लोग टी का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। इक्वेशन 3 हमारा क्या था, देखिए इक्वेशन 3 था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है s इज इक्वल टू टी 3 + t, तो हम लिखे पहले s इज इक्वल टू 3 3 + t, s इज इक्वल टू 3 + 6, s इज इक्वल टू 9, s हमारा 9 आ गया, देखिए s 9 एंड t 6 आ गया हमारा दोनों, देखिए हमारा दोनों वैल्यू आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सब्स्टिट्यूट करना है बाकी सब क्वेश्चन में भी, वो सब हम नहीं बता रहे हैं, सब इसी प्रकार का है। कुछ अगर आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो ऐसे बनाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।